खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, पीएम मोदी आज हरियाणा के कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, जहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 4000 शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी की 28 सितम्बर को हरियाणा प्रस्तावित रैली है और पीएम मोदी हिसार में रैली को संबोधित करेंगे। 2 अक्टूबर को पलवल में रैली में भी प्रस्तावित करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी की हरियाणा में कार्यकर्ताओं को संवाद करेंगे, उनसे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली ये संवाद रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदान होना है हरियाणा में, उससे पहले पीएम मोदी के 2 दौरे हरियाणा में हम देख चुके हैं, एक कल किया था और एक 14 सितम्बर को किया था, लेकिन अब कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और ये वर्चुअली तौर पर करेंगे संवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही गोहाना सोनीपत में चुनावी रैली को संबोधित किया था। काफी जोरदार हमले बोले थे, हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, 5 अक्टूबर को मतदान होना है और उससे पहले चुनावी घमासान जो रैलियों का है वो शोर सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा और जिस तरीके से उन्होंने कल चुनावी हमला बोला था विरोधियों पर, कांग्रेस पर, उसको आगे कड़ी में जोड़ेंगे। वो मेरा बूथ सबसे मजबूत जब संवाद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 12:30 बजे वर्चुअल माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, और उन्हें विजयी मंत्र देंगे, क्योंकि नमो ऐप के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की कड़ी है और जहां जिस राज्य में चुनाव होते हैं उन कार्यकर्ताओं को विशेष मंत्र बूथ पर फोकस करने को लेकर रहता है। पन्ना प्रमुख भी बनाए जाते हैं, उनकी अलग से बैठक होती है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश भरना, एक विजयी मंत्र देना और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, उसके आधार पर रणनीति में बदलाव करना, ये इससे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में वर्चुअल माध्यम से जिसमें जो शक्ति केंद्र है 4000 से ज्यादा वो भी इससे जुड़ेंगे और इसके जरिए वो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो संवाद कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का, वो करते नजर आएंगे। तो हरियाणा के राजनीतिक जो घमासान है उसमें एक राजनीतिक संदेश भी देंगे, साफ तौर पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और इसके अलावा उनको विजयी मंत्र देना है, इस संबोधन पर नजरें रहेंगी प्रधानमंत्री के। नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री आज हरियाणा के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और मेरा बूथ सबसे मजबूत जो संवाद कार्यक्रम है इसके जरिए वो उनसे फीडबैक भी लेंगे, साथ ही उनको विजयी मंत्र भी देंगे। तो हरियाणा के चुनावी मुकाबले में जो लगातार नजरें लगी हुई हैं, इस बीच प्रधानमंत्री का ये संवाद जो है कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा के, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ये कहा जा रहा है। अब बिल्कुल, एक उनका ये संवाद एक नया जोश और उमंग भरता हुआ कार्यकर्ताओं में नजर आएगा और किस तरह से काम करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और जानकारी लेंगे।